हिंदी सिनेमा में अगर देखा जाए तो आपको 80 और 90 के दशक में ऐसी कई अभिनेत्रियां मिल जाएंगी जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने अभिनय और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपना वो मुकाम हासिल किया है जिन्हें दर्शक आज भी भूल नहीं पाए हैं। बेशक इनमें से कुछ अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया हो, लेकिन आज भी कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना वजूद बरकरार रखा है। और ऐसे में आज हम आपको 80 और 90 के दशक की इन मशहूर अभिनेत्रियों की बेटियों से रूबरू करवाने वाले हैं, जो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह ही सुंदर दिखती हैं, जहां इन माँ बेटी के बीच की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो और मिलवाते हैं आपको उन खूबसूरत अभिनेत्रियों की खूबसूरत बेटियों से। नंबर वन, करिश्मा कपूर। कपूर खानदान की गॉर्जियस और खूबसूरत बेटी करिश्मा कपूर को भला कौन नहीं जानता होगा, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में अपने अभिनय का करिश्मा हर किसी पर बरकरार रखा था। जो ऐसी अभिनेत्री थी जिनके अभिनय के लोग आज भी दीवाने हैं, यही वजह है कि आज इन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेत्री की बेटी के बारे में तो इनकी बेटी का नाम समायरा कपूर है, जो आज 16 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी हैं और वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रही हैं, जो अपनी मम्मी की तरह ही एक अभिनेत्री बनना चाहती हैं। पर अगर बात की जाए इनकी खूबसूरती की तो खूबसूरती के मामले में ये अपनी माँ से भी आगे हैं। नंबर टू, अमृता सिंह। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री अमृता सिंह 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने अपने सफर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, जिनमें से इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सूर्यवंशी, राजू बन गया जेंटलमैन, पाप की आंधी और वीरू दादा जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री की रियल लाइफ बेटी के बारे में तो इनकी बेटी का नाम सारा अली खान है, जो अपनी माँ की तरह एक अभिनेत्री है और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें से कुछ फिल्में हैं लव आजकल पार्ट 2, केदारनाथ और सिम्बा, जिनमें इनके अभिनय को काफी पसंद भी किया गया है। और हाल ही में सारा अली खान अपनी रिलीज हुई फिल्म कुली नंबर 1 को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। नंबर 3, काजोल। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली काजोल को भला कोई कैसे भूल सकता है। इन्होंने फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया है। ये सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग के लिए भी काफी चर्चित रही थी। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री की बेटी के बारे में तो इनकी बेटी का नाम न्यासा देवगन है, जो वर्तमान में अपनी पढ़ाई कर रही है। हालांकि न्यासा देवगन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, लेकिन जहाँ एक तरफ काजोल खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इनकी बेटी न्यासा हमेशा अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से मीडिया में ट्रोल होती रहती हैं। नंबर 4, मीनाक्षी शेषाद्री। 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही मीनाक्षी शेषाद्री उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं जिन्हें उनकी खूबसूरती और उनके अभिनय टैलेंट के लिए जाना जाता है, जिन्होंने हीरो मूवी में अपने अभिनय से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था और आज भी लोग इनके दमदार एक्टिंग टैलेंट के लिए ही इन्हें जानते हैं। वहीं इस खूबसूरत और दमदार अभिनेत्री की बेटी की अगर बात की जाए तो इनकी बेटी का नाम केंड्रा मैसूर है, जो वर्तमान के समय में न्यूयॉर्क में रहती हैं, जो अभी बहुत ही छोटी हैं और अपनी पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो केंड्रा खूबसूरती के मामले में बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई हैं, जो दिखने में बहुत ही क्यूट हैं। हालांकि आपको बता दें केंड्रा को बॉलीवुड में बिल्कुल रुचि नहीं है, ये लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं। नंबर 5, जूही चावला। मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी अभिनेत्री जूही चावला आज उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने फिल्मी करियर के दौरान एक से बढ़कर एक फिल्में देकर खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया है, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस खूबसूरत अभिनेत्री की बेटी के बारे में तो इनकी बेटी का नाम जानवी मेहता है, जो वर्तमान में 19 साल की हो चुकी है और अभी ये अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। अगर बात करें जानवी की तो खूबसूरती के मामले में ये भी अपनी मम्मी की तरह ही बेहद खूबसूरत नजर आती हैं, जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, आप उनका नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।